तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो मैं आपका दोस्त शशिकांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग रहेगा ये मैं कोई घर वगैरह आपको नहीं दिखाने वाला हूं। हां, घर के बाहर का मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं आप लोग, घर के बाहर का सीन रहेगा। आज मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ कि जो घर होते हैं वो ख़रीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चौल घर में या फ्लैट में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत टाइम से जो है मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे थे और लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बना के मैं सबको इसके बारे में जानकारी दूँ, बताऊँ। तो दोस्तों, अगर आप घर ख़रीदने जाते हैं और चौल में अगर घर ख़रीदते हैं तो कहीं भी आपको सबसे पहले आपको याद रखना है, लालच में नहीं फंसना है। अगर कोई भी बंदा लालच देता है आपको कि यहाँ पे घर मिल रहा है 1 लाख रुपए दे करके, 50,000 रुपए दे करके आपको घर को देने को कहता है, तो ऐसे लालच में आपको नहीं पड़ना है। पूरी जानकारी करनी है अच्छे से, इसके बाद में ही आपको उसको पैसे देने हैं। क्योंकि दोस्तों, एक घर बनाने का, अगर आप अच्छे से 200 स्क्वायर फीट का घर बनाने का इस टाइम पर खर्चा देखेंगे ना, तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये आता है पूरा घर कम्प्लीट करने में, अच्छा काम करने में। बाकी जिनको ठगना है, लूटना है, उनका मैं नहीं कह सकता, वो कुछ भी करते हैं। तो आपको लालच में नहीं आना है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख करके किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। सबसे पहले आप जाइए उस जगह पे, देखिए वहाँ पे ज़मीन, देखिए कागजात, देखिए उसके, चेक कराइए, ऑनलाइन चेक कराइए, इसके बाद में ही वहाँ पर खरीदिए। दूसरी चीज़ दोस्तों आती है, इन घरों में काफ़ी दोस्त मुझसे बोलते हैं कि सर इसमें जो चौल घर होते हैं इसमें लोन होता है क्या। इसका जवाब भी रहेगा कि चौल घर जो होते हैं इसमें कोई भी गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं देती है, या इस पर लोन एक तरह से कह लीजिए नहीं मिलता है। तो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात जो है, अगर आप लोग जो है, काफ़ी लोग बोलते हो कि सर रजिस्ट्रेशन करके मिलेगा क्या, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौल घर जो होते हैं इनका स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इन घरों का केवल होता है नोटरी रजिस्ट्रेशन, जो आपको करके मिलता है। इसमें लाइट मीटर, घर पट्टी, सेल एग्रीमेंट, ये सब पेपर आपको दिए जाते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कहीं भी घर खरीदिए, चाहे कहीं भी किसी से भी खरीदिए, ज़मीन वगैरह का अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए। तो ज़मीन वगैरह जो होती है, तो दोस्तों यहाँ कई तरीके की होती है, तो उसका भी आप अच्छे से जानकारी कर लीजिए। एक होती है 7/12 क्लियर ज़मीन, मालकी ज़मीन, जो लीगल होती है 100%। एक होती है 36/36, जो होती है बिल्कुल प्रॉब्लम वाली जगह होती है वहाँ पे। एक होती है 143 जगह, आदिवासी मालकी उसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा चीज़ जो है, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन को भी बना के डेवलप करके बेच देते हैं। और बेचारे जो आप लोग होते हो, लालच में कहीं ना कहीं फंस जाते हो कि 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख में घर मिलता है, तो वहाँ पर आप उनको पैसे दे देते हो और वो क्या करते हैं, बेच बाज के भाग जाते हैं, और कुछ समय बाद BMC आती है, तोड़ चाड़ देती है। तो दोस्तों, चौल घर में ख़रीदने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद में ही आप वहाँ पे घर ख़रीदें। अब आते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं फ्लैट की। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो है मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और फ़ोन करने के टाइम पर बोलते हैं कि सर जी मुझे फ़्लैट लेना है। तो दोस्तों, फ़्लैट लेने से भी पहले काफ़ी आपको जानकारी होनी चाहिए इस फील्ड के बारे में, क्योंकि फ़्लैट में जो होता है ना, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर होने चाहिए। आपका एक परफेक्ट, मतलब अपना बजट बना के चलिए कि मुझे इतने बजट वाला घर ख़रीदना है, तो वो चीज़ लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप जो है अपने बैंक में, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आप जाइए और उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको एक घर ख़रीदना है फ्लैट में तो आपको लोन कितना मिलेगा। और इन सब के लिए दोस्तों, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इनकम टैक्स फाइल। हर साल जो है लगभग, जब आप लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 साल का बैंकर जो है इनकम टैक्स फाइल मांगेगा कंटिन्यू। तो अभी काफ़ी दोस्त मेरे बोलते हैं कि सर इनकम टैक्स फाइल क्या होता है, मैं तो पैसे कमाता नहीं, मैं तो टैक्स भरता नहीं, तो मैं क्यों बनाऊँ। तो दोस्तों, इनकम टैक्स जो फाइल होती है वो केवल गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए नहीं होती है। इनकम टैक्स फाइल का मतलब होता है कि आपका जो आमदनी है, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, उसका लेखा जोखा होता है इनकम टैक्स फाइल में। तो वहाँ पे आप, उसमें रहता है कि आप मंथली कितना कमाते हैं, महीने का कितना अर्न करते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो वो सब एक तरह से पैन कार्ड से लिंक किया जाता है आपका। गवर्नमेंट की नज़र में होता है कि आप इतना अर्निंग करते हैं, उस बेस पे बैंक वाले आपको लोन दे सकते हैं।
कि हाँ भाई ये बंदा इतना कमाता है, चलो इसको इतना हम दे सकते हैं तो इतना ये मंथली भर सकता है। तो इनकम टैक्स फाइल होना सबसे ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जॉब करते हैं अगर तो उसके लिए आपके पास में सैलरी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ कि अगर कोई बिजनेस है, अगर जॉब नहीं है, कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं आप, तो उसका भी पूरा प्रॉपर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी रहेगा। उसमें आपको जो है मुश्ता लाइसेंस अगर है, आधार उद्योग, अगर ये सारे प्रूफ रहेंगे तो आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी। और लोन भी आपको दोस्तों देख करके ही लेना है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में काफ़ी बिल्डर्स भी आपको बहुत सारे लुभावने ऑफर देंगे कि आइए सर जी हम आपका लोन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा टीम रहता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें नहीं पढ़ना है, किसी के झांसे में नहीं पढ़ना है। आपको ये याद रखना है कि आपके पास पूरा पेपर है, पूरा मजबूत चीज़ें हैं, तो ही आपको बैंक वाले लोन देंगे। वो क्या करते हैं बिल्डर्स लोग को क्या होता है, उनका प्राइवेट सेक्टर से भी सेटिंग होती है उनकी, तो जब भी वो लोन कराते हैं तो आपको बताते नहीं हैं, आपका प्राइवेट फाइनेंस से लोन करा देते हैं। वहाँ पे आपका जो ब्याज होता है ना वो 12%, 16%, 10%, मतलब इस तरह से अगर आपके उस पेपर वगैरह नहीं है तो इस तरह से करवा देते हैं। वो तो जब भारी आपको पड़ता है, जब आप उसका EMI स्टार्ट हो जाता है ना, इसके बाद में जब रोलिंग होता है कि 4-5 साल गुजर जाते हैं, आपका मूलधन जो है बना का बना रहता है, कुछ भी कम होता नहीं, क्योंकि उसका ब्याज जो होता है बहुत हाई होता है। और इन बैंकों का भी फार्मूला होता है कि जब भी ये लोन देते हैं ना तो लोन में सबसे पहले ये अपना 5-6 महीने का या 5-6 साल का ब्याज पहले कवर करते हैं, आपका मूलधन बाद में कट करते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन सब चक्करों में ना पड़ें। बारिश बहुत तेज आ गई है तो घर खरीदने से पहले काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ धोखा, चीटिंग, फ्रॉड नहीं होगा। जागरूक नागरिक बनिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अभी नए गांव में कुछ बिल्डिंगों पे गवर्नमेंट ने स्टे लिया हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप नए गांव में कोई प्रॉपर्टी खरीदें, अभी कितनी बिल्डिंगों पे है ये मुझे पूरा क्लियर तो नहीं पता है, सुनने में आ रहा है कि 7-8 बिल्डिंगों पे गवर्नमेंट ने स्टे ले लिया है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ। बाकी आप लोग भी जब भी कभी खरीदें यहाँ पे फ्लैट तो पूरा इंक्वायरी कर लें, उनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपके साथ चीटिंग, धोखा, फ्रॉड ना हो, इसके लिए पूरी सतर्कता से काम करें। और मेरा उद्देश्य होता है आपको अच्छा घर दिलाना, ना कि प्रॉपर्टी चिपकाना। दोस्तों मैं इस फील्ड में केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बार बार आपको काफ़ी ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ, मैं आया हूँ कि आप लोगों के साथ चीटिंग, धोखा, फ्रॉड ना हो, आपको एक अच्छा घर मिले, सही चीज़ मिले आपको, जिससे कि आपको जीवन में पछताना ना पड़े, आपके साथ में जो है किसी तरह का धोखा ना हो, चीटिंग ना हो, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। बाकी पैसे कमाने होते तो मेरा अपना फिल्म लाइन वगैरह है, बहुत सारा मेरा है रास्ते, वो सब चलता रहता है, यूट्यूब से तो आता ही रहता है अपने को, तो मैं सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों आप जब भी मेरे थ्रू कहीं घर खरीदें, जब तक मुझे कॉल ना करें और मेरे नंबरों पे ही जब तक मेरे से बात ना हो तब तक किसी को पैसे ना दें। अगर कभी कोई बोलता है कि नहीं मैं शशिकांत जी के साथ काम करता हूँ या शशिकांत जी मेरे लिए काम करते हैं, तो भी आपको यकीन नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आप मुझसे मिलिए, मेरे थ्रू देखिए, और इसके बाद में सही लगे तो आप खरीदिए, नहीं सही लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। दोस्तों आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ चीटिंग, धोखा, फ्रॉड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा, थोड़ा सीखने को मिलेगा, और घर खरीदने से पहले आप लोग ये सब इंक्वायरी करेंगे, इसके बाद में घर खरीदेंगे। तो बस आज का दोस्तों ब्लॉग ये भी ख़त्म करते हैं, फिर किसी नई प्रॉपर्टी को दिखाते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।